आज रामबाग रेलवे स्टेशन के पास प्रयागराज में कोरोना महामारी को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया है और 21 दिनों तक लोगों से अपने घरों से न निकलने की अपील भी की, जिसमें 13 दिन खत्म हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की बढ़ गई है जो रोज कमाते खाते हैं। ऐसे में इन गरीब लोगों का सहारा बनी है रेलवे सुरक्षा बल के पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह। लॉकडाउन की घोषणा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया और उन्हें खाना खिलाया गया। अभियान के तहत करीब को कढ़ी चावल 110 लोगों को खाना खिलाया गया। रेलवे सुरक्षा बल के जवान इस अभियान में शामिल होकर तन मन और धन से पूरे 21 दिन तक लोगों की सहायता का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जो है बाहर के एरिया में जो भी इधर उधर घूम रहे हैं उनको इकट्ठा करके 7 दिन से लगातार खाना खिला रहे हैं करीब 70-75 लोगों का। और आज जो है स्टेशन पे जो हमारे यहाँ सफाई कर्मी हैं उनको जो है हेल्थ विभाग के सहयोग से कुछ अनाज और खाने के लिए उनको वितरित किया गया।